सरकार का गठन होने के बाद पहला सत्र बुधवार यानी कल बुलाया गया था, आज दूसरा दिन है, आज आखिरी दिन है, आज बचे हुए 8 विधायक यहाँ पे शपथ लेने हैं, वहीं पे स्पीकर चुनाव भी होना है। लेकिन आज सबसे बड़ा एक घटना हुआ है, यहाँ पे घटना हुई है, यहाँ पे बता दूँ आपको कि यहाँ पर मेरे पीछे विधानसभा का मुख्य गेट है, जहाँ पर एक अज्ञात शख्स ने जो जिसका नाम मंगल बता रहा था, ऑटो चालक था, उसने यहाँ पर एक जूता फेंका है। पीछे एक वाहन खड़ा था, वो जूता सीधा वहाँ पर लगा है। तमाम जो सुरक्षा के दावे किए जाते थे प्रशासन द्वारा, वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन जागरण करूँगा, इधर जो है चप्पे चप्पे पे पुलिस महकमा प्रशासन जो तैनात है, पक्षी भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन बावजूद इसके एक अज्ञात शख्स ने सड़क के किनारे से प्रशासन की चुनौती देते हुए, प्रशासन के जितने भी दावे थे उनको दत्ता बताते हुए, जो सुरक्षा के इंतजाम थे उनको दत्ता बताते हुए एक जूता अंदर फेंक दिया है अपना पाँव का। हमने दिखाया पहले भी, वीडियो में देख सकते हैं कि जूता किस प्रकार फेंका जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अंदर जो जूता गिरा है वो एक वाहन खड़ा था उस पर जाकर गिरा। लेकिन इसमें बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई अंदर अगर कोई विधायक होता, पत्थर होता, तो कहीं ना कहीं लग सकता था। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की चूक है वो सामने आई है। अंदर विधानसभा चल रही है, विधायक जो है लगातार आना जाना लगा रहा है विधानसभा में। अब बात यह है कि यहाँ यह है कि प्रशासन जो है कितनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। प्रशासन की जो सुरक्षा के दावे किए जाते हैं वो लगातार फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये घटना छोटी मोटी घटना नहीं है। यहाँ पे जूते की जगह पत्थर भी हो सकता था या और भी कोई विस्फोटक हो सकता था जिसको फेंका गया अंदर। तहस में आके उसने आवेश में बात घटनाक्रम की बात करें तो बताना भी ये था, हनुमान बेनीवाल सांसद हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे। उनसे अमूमन यहाँ पे विधानसभा के बाहर जो मीडिया का जमावड़ा लगा रहता है विधानसभा के सत्र के दौरान, अमूमन जो MLA आते हैं यहाँ पे वो कहीं ना कहीं 2-4 मिनट के लिए रुक जाते हैं। वह शख्स जो था ऑटो चालक, वह हनुमान बेनीवाल से मिलना चाहता था, ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उनको हटाया और वो तहस में आ गया। तहस में आते ही उसने पुलिस को चुनौती दी है सामने सामने, लगातार वो दावे कर रहा था कि मेरे ऊपर मुकदमा कर दो, मेरे ऊपर मुझे जेल में डाल दो। लेकिन भजनलाल शर्मा जो CM बने हैं उनको लेकर भी उन्होंने कई दावे किए हैं कि भजनलाल शर्मा को मैंने CM बनाया। वहीं पर उन्होंने अपने आप को अपना नाम मंगल बताया और मंगलवार को ही उन्होंने वसुंधरा राजे CM को, पूर्व CM थी वसुंधरा राजे, उनको कोरोना होना बताया था। तो तमाम जो बातें कही उसने वो बात की बातें, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर यह है कि जो जूता फेंका गया वो कहीं ना कहीं सुरक्षा में सेंध मारते हुए नजर आ रहा है। प्रशासन के जो दावे की वो लगातार पकपक में फेरोते नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का दूसरा सत्र, पहला सत्र का दूसरा दिन आज है और अंतिम दिन है विधानसभा सत्र का। बीजेपी सरकार गठन के बाद में पहले सत्र बुलाया गया था, तो कहीं ना कहीं ये चूक जो है वो कहीं ना कहीं सामने आई है। पुलिस प्रशासन जो है लगातार दावे कर रहा है सुरक्षा को लेकर, चप्पे चप्पे पर तैनात किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चूक में सामने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप बलौदा, नगरी मीडिया, जयपुर।